किसान कल्याण मिशन योजना अंतर्गत किसान मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी का जमनिया विधायक सुनेता सिंह ने फीता काट कर यूँ दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से इजहार खान की रिपोर्ट। लगाएं और उसकी सुरक्षा करें। मेरे विभाग वानिकी का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें आप सहयोग दें और जो विभागीय वृक्षारोपण और उसकी सुरक्षा करें ताकि आबादी के हिसाब से हर पड़े। मैं इसी चरण में से कहकर विदा ले लूंगा, समय कम है। एक अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोगों की लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती सुनीता सिंह जी मंच पर उपस्थित, भाजपा के हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय अनिल यादव जी, सुनील सिंह जी, शिवानंद बाबा जी और हमारे किसान मोर्चा के साथी जिला मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, मंडल अध्यक्ष। जब इस खेती को कोई जानता भी नहीं था और आपको इस खेती को करने में बहुत ही कठिनाइयां आई होगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ही हमारे किसान अन्नदाता होते हैं कि किसी भी मुसीबत में हिम्मत नहीं हारते हैं और आज आपको सब लोग जानते हैं और आज की प्रोडक्ट आपका वहां लगा हुआ है और जिस तरह से आपको फोन आते हैं कि ये चीज करे और क्या क्या किया जा सकता है। ये किसानों की आय दोगुनी तभी हो सकती है जब किसानी के साथ साथ ये पशुपालन, दुग्ध का, मछली का और तमाम तरह के पशुपालन जो भी बताया गया उसके साथ लेके हम चलते हैं, तब जाके किसानों की आय दोगुनी होती है। हर वो गायों को कि कहाँ, अगर किसी को किसी बड़ी अच्छे नस्ल की गाय चाहिए तो कहाँ उपलब्ध होगी, इसकी उपलब्धता होकर आए, क्योंकि हर चीज की जानकारी आजकल नेट पे तो है, लेकिन आप अधिकारियों का भी दायित्व तो है कि उसकी जानकारी कराए। अभी हमारे रानी जी बोल रहे हैं प्रधान देश है और पूरा देश किसानों से भरा पड़ा है, वहाँ छोटी मोटी कभी कैसी चीजें हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में रखा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी उसी दिन उसी पहली बैठक में किसानों का 1,00,000 रुपया मैं कर्ज माफ कर दूंगा। 2017 में पहली बैठक के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो है काम किया और जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो पैसा दिया था बिना बिचौलिए उनका 1,00,000 का कर्ज माफ हुआ। 60% से अधिक जनसंख्या किसानों की है और 70% से अधिक लोग अपनी आजीविका कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से प्राप्त करते हैं, तो यह सरकार की भी चिंता है और एक अन्य अधिकारी के रूप में भी हमारी भी चिंता है कि कैसे कृषकों का ज्यादा से ज्यादा फायदा किया जाए। विश्वास जी है पालनपुर के हैं, वो आए हुए होंगे, सुपर सीडर में उनको 1,00,000 रुपए तक का अनुदान जाना है। राकेश कुमार यादव जी हैं हथौड़ी के है, उनको एसएमएस से अनुदान जाना है 50,000 रुपए खाते में। कटने न देना कहीं भी नहीं, देखते रहना तुम रात भर जाग कर, हम वनों को बचाए नहीं तो ये गुलशन हमारा उजड़ जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत योजनाएं चल रही है जिसमें किसान भाइयों तक उनके माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है आय और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना किया जा रहा है। इसमें
अच्छी नस्ल की जैसे अभी पाई जाती है। लेकिन हम हमारी अपनी पुरानी पद्धति जो है देसी गाय की जो गायों का जो है उत्पादन किया जाएगा। हाँ, गाय का दूध जो है ज्यादा सेहतमंद होता है। राशन का भी कार्यक्रम होगा, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, छह महीने के बाद अन्न होता है। विधायक जी बता रहे थे ये गोद भराई का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये सहयोग और संवेदना हेलो बहुत कम लोगों को मिलता है। हेलो, इसकी बैटरी आप चेक करें भाई। नहीं, बैटरी डालो इसकी, आप आवाज कर रहे हो बहुत अच्छा चल रहा है। अब बच्चों को वो वक्त वो समय याद आ रहा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जब बाबू छोटा था पकैया चलता था। बड़ा बनो, खूब अच्छा बनो, आशीर्वाद देती हुई बच्चों को। हेलो, ये आयोजन चंद कतरों की नवाजी से करम है, वरना दुनिया में समंदर